जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। उषा के किचन में आप मन के स्वागत है। तो आज बनेंगे हम हमारे छत्तीसगढ़ के फेमस फरा रोटी। फरा रोटी बनाए वाले हैं हम 1.5 कटोरी चावल आटा, आधा कटोरी पके हुए चावल जेला हमन भात बोलथन, स्वाद अनुसार नमक, फरा ला बघार लगाए वाले हैं तिली, 6-7 सूखा मिर्च, कड़ी पत्ता यानी कि मीठा लीम। सबसे पहली हम चावल आटा में पके हुए चावल यानी कि भात ला मिला देते हैं। एमा हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छा से मिला देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूथेंगे। आप चाहो तो गुनगुना पानी भी ले सकत हो, ठंडा पानी में भी गुथा जाते, तो अच्छा से गूथ लेते हैं संगवारी हो। ये देखो संगवारी हो, आटा ला हम गूथ ले हवन। आटा है ज़्यादा नरम नहीं है न कड़क नहीं है, मीडियम गूथे हैं। अब हम ले लेते हैं तेल, थोड़ा सा हाथ में लगा लेते हैं। आटा के छोटे से टुकड़ा ले लेते हैं। अब चलो फरा ला भरेंगे। ये देखो आप अपन हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हो इस टाइप से। ये देखो ऐसे ही हम सब ला भर लेते हैं संगवारी हो, जितना हम आटा तैयार करे हैं। हम सब फरा ला बना ले हैं संगवारी हो। फरा ला पकाए बर हम इडली के सांचा के उपयोग करत हैं। इडली के सांचा में 1 से 1.5 गिलास पानी डाले हैं। ओकर बाद इडली के सांचा ला रखे हैं। ओकर बाद फरा ला हम बना बना के रखत गए हैं। आप चाहो तो गंजी में पानी रख के चन्नी वाले बर्तन में भी पका सकत हो। तो चलो इडली के सांचा के ढक्कन लगा देते हैं और गैस में चढ़ा देते हैं। हम गैस जला दे हैं। इडली के सांचा में फरा ला रख के पकाते हैं संगवारी हो। 9 से 10 मिनट तक पकेंगे। 10 मिनट हो गए हैं संगवारी हो, फरा पक गए हवा। ये देखो अब फरा ला हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, अलग अलग कर लेबो, ओकर बाद बघार लगाएंगे। हम फरा ला अलग अलग कर ले हैं सोमवारी हो। अब चलो लगाते हैं बघार। गैस जला दे हैं, कढ़ाई चढ़ा दे हैं। पहले तेल डालेंगे, तेल ज़्यादा नहीं डालें, फरा में बहुत कम तेल लगते सोमवारी हो। तेल गरम होने देंगे, तेल है गरम हो गए, सूखा मिर्च और मीठा लीम डालेंगे। चम्मच चला देंगे। अब डालेंगे तिली ला, फिर डालेंगे फरा ला, मिला देंगे चम्मच से। ये देखो संगवारी हो, हमारे फरा में बघार लग गए। फरा ला ऐसे ही खा सकत हो संगवारी हो, टमाटर के चटनी में भी खा सकत हो। हमार फरा बनाए के विधि आप मला कैसे लगी संगवारी हो, कमेंट में बताहू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दूँ।